यू गाइस वेलकम बैक टू सबसे न्यूज़। पिछले साल ही स्टार प्लस के वन ऑफ द पॉपुलर शो ससुराल गेंडा फूल का दूसरा सीजन स्टार भारत पे स्टार्ट हुआ था। सीजन वन का स्टोरी जहां पर एंड हुआ था, वहीं से शो के सीजन टू का स्टोरी को कंटिन्यू किया गया था। मेकर्स और चैनल को शो से काफी ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन था एंड स्टार्टिंग के कुछ हफ्तों में तो ससुराल गेंडा फूल सीजन टू ठीक ठाक टीआरपी लेके आ रहा था, लेकिन अब शो का टीआरपी काफी ज्यादा कम हो चुका है। अब शो का टीआरपी हर हफ्ते 0.2 के अराउंड होता है। शो का कम टीआरपी होने के वजह से शो जा चुका है अंडर स्कैनर में। अगर शो का एसआई टीआरपी रहता है तो शो जल्दी चला जाएगा ऑफ एयर, लेकिन अगर कुछ हफ्तों के अंदर शो का टीआरपी इंक्रीज होता है तो शो को आगे और एक्सटेंशन मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर हाईली चांसेस है कि 1 से 2 महीने के अंदर हमें शो ऑफ एयर होता हुआ दिखे। एंड जैसे आपको पता ही है, स्टार भारत पे काफी न्यू शोज आ रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर अब कुछ हफ्तों के अंदर स्टार भारत अपने न्यू शोज के लिए टाइम स्लॉट ढूंढना स्टार्ट कर देगा। वैसे अगर शो का सीजन टू स्टार प्लस पे लॉन्च होता तो यहाँ पर हाई चांसेस था कि शो ठीक ठाक टीआरपी लेके आता, लेकिन जैसे आपको पता ही है, स्टार भारत पे जितने भी शोज पिछले 2-3 सालों से ऑन एयर हो रहे हैं वो कुछ ही महीनों के अंदर ही ऑफ एयर चले जाते हैं। मेकर्स को शो के सीजन टू से काफी ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन था, क्योंकि सीजन वन के ऑलमोस्ट स्टार कास्ट सीजन टू में भी रिटर्न किए थे, सिर्फ फीमेल लीड में चेंज था। लेकिन सीजन वन का फीमेल लीड भी सीजन टू कुछ एपिसोड्स के लिए हमें केमियो करती हुई दिखाई दी, लेकिन यहाँ पर मेकर्स और चैनल जितना शो से टीआरपी एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना तो शो टीआरपी नहीं लेके आ, तो इसलिए यहाँ पर अगर शो का एसआई टीआरपी रहता है तो आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर शो चला जाएगा ऑफ। श्वेता वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सारे ससुराल गेंडा फुल सीजन टू फैंस के साथ। इसी और वीडियोस के लिए चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। आपसे मिलता हूं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए गुड बाय।